गुड मॉर्निंग, आई एम अश्विनी कुमावत फ्रॉम JSW एनर्जी लिमिटेड बाड़मेर एंड आई एम हेयर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन पावर सिस्टम 1. टॉपिक इज सोलर विच इज इन योर सिलेबस, दैट इज लास्ट चैप्टर. सो सोलर इंजीनियरिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि सोलर प्लांट क्या होता है, किस तरह से काम करता है और सोलर PV पैनल्स क्या होते हैं और ये वर्क कैसे करता है सोलर सिस्टम. ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वाले चैप्टर में है. तो अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बेसिक से कि सोलर PV सिस्टम कैसे काम करता है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सोलर PV कंपोनेंट्स क्या क्या है सोलर प्लांट के लिए. तो फर्स्ट है सोलर PV पैनल, नंबर वन कंपोनेंट. नंबर टू इज सोलर इन्वर्टर. थर्ड वन, अगर हम कोई बड़ा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफार्मर भी चाहिए हो सकता है. तो इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर एंड लास्ट सम स्विच गियर. स्विच गियर मीन्स ब्रेकर्स एंड ऑल्सो सर्किट ब्रेकर्स. ठीक है, तो ये हमारे सोलर प्लांट के बेसिक कंपोनेंट्स है. ठीक है, तो अभी अपन ओनली सोलर PV प्लांट स्टडी करेंगे. वैसे सोलर में सोलर थर्मल भी होता है बट वी विल स्टडी ओनली सोलर PV सिस्टम. तो सोलर PV सिस्टम होता क्या है? सोलर PV मीन्स फोटोवोल्टाइक, फोटोवोल्टाइक सिस्टम. तो अभी सोलर पैनल से स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट. तो सोलर पैनल इज नथिंग बट ए PN जंक्शन. तो इसमें क्या होता है कि सपोज हमारा ये एक सोलर सेल है, ये एक सोलर सेल है, एक सेल. ये काम कैसे करता है? तो एक हमारा सोलर सेल है. तो सोलर सेल में क्या है, ये पी टाइप एन टाइप जंक्शन, सिंपली PN जंक्शन है. इसमें जो ये सरफेस जो आपको दिखता है सोलर पैनल के ऊपर जो आपको सरफेस दिखता है दैट इज एन टाइप मटेरियल, और जो इसके बैक साइड में जो सरफेस रहता है दैट इज पी टाइप मटेरियल. तो जब भी इसमें सोलर रेडिएशन गिरता है पैनल पे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और उससे अगर पाथ क्लोज है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा. ठीक है, अब ये पैनल्स भी हमारे क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और अमोर्फस सिलिकॉन. ये तो जनरली इंडस्ट्री में पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें मोनोक्रिस्टलाइन इज द बेस्ट पैनल, बट पॉलीक्रिस्टलाइन कॉस्ट वर्सेस अगर इसका परफॉर्मेंस देखें तो बेस्ट इसी का होता है. तो इसलिए हम पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल ही जनरली इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं. ठीक है, अभी अपना सोलर पैनल होता कैसा है ये देखिए. अब जो आपको ये एक ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना, ये एक, ये दिस इज ये एक सोलर सेल है. तो एक सोलर पैनल के अंदर जैसे सपोज, तो ये क्या है, सब क्या है कि यहां से स्टार्ट हुआ और ये सब सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं इस तरीके से. ठीक है, सीरीज में कनेक्ट होने के बाद में ये इसके फाइनल कनेक्शंस है जहां से पॉजिटिव नेगेटिव मुझे मिलता है. ठीक है, उसके बाद में हाँ, तो ये एक सोलर सेल है. तो सोलर सेल का आप देख सकते हैं कि वोल्टेज बहुत कम है, एक सेल का वोल्टेज 0.5 वोल्ट ही रहता है DC. ठीक है, और करंट इसका 8 एम्पीयर तक, 9 एम्पीयर तक हो सकता है. ठीक है, तो अभी अपन अगर एक सोलर सेल की बात करें तो इसके ऊपर ये जो लाइन दिख रही है दिस इज नथिंग बट करंट
कलेक्टिंग सोल्डरिंग से ये, तो सोलर पैनल से जो करंट को कलेक्ट करेगी। ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि सोलर पैनल है, फिर यहाँ पर ये ग्रिड बना रखा है और यहाँ से करंट कलेक्शन के लिए दो सोल्डर वायर्स निकले हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये डायग्राम मेरा सोलर सेल कनेक्शंस का। तो यहाँ से क्या हुआ, ये मेरा पीएन टाइप में जो मटेरियल है, अब इसमें ये देखिए, अब इसमें क्या होगा, सब कुछ ये एक साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है इस तरीके से, ये कंप्लीट सीरीज है। तो जैसे सपोज मेरा 325 वॉट का पैनल है, तो मुझे इसमें 72 सेल्स रहते हैं 0.5 वोल्ट के। तो इसमें सोलर में जो इसका एक ये एक पैनल का स्पेसिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है, सब पैनल सब सेल्स मेरा सीरीज में है, तो करंट तो मेरा वही रहेगा जो एक सेल का करंट है, सब सेल सेम टाइप के और सब सीरीज में, ठीक है ना। अब इसमें वोल्टेज कितना है इसका, 235 वॉट, ठीक है। अब इसमें दो वोल्टेज है, एक है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज मीन्स जब मेरा सोलर पैनल ओपन है, उस पर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज, ये है 37.02। सेकेंड है मेरा वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, कि जब मेरा पैनल 235 वॉट पे चल रहा है, मतलब लोड पे जब मेरा पैनल है, तो उस टाइम पर जो वोल्टेज है वो रहेगा 29 वोल्ट। ये एक टिपिकल 235 वॉट पैनल का स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो अब इसमें डिज़ाइन कैसे होता है सोलर सिस्टम, तो अपन एक रूफ टॉप सोलर का अपन कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि किस तरीके से रूफ टॉप सोलर प्लांट बनता है। और ये इस पैनल का कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसमें क्या होता है, रेडिएशन आ रहा है, सन से रेडिएशन आता है, तो इसमें आप देखेंगे इसका वही कैरेक्टरिस्टिक है, ये करंट है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे मेरा वोल्टेज है, ठीक है। तो अभी आप जब देखेंगे कि जब ये रेडिएशन कम है, तो मेरा वोल्टेज भी कम, वोल्टेज तो लगभग इतना ही रहेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज बराबर ही रहेगा उस केस में, और जो मेरा करंट है ना, वो रेडिएशन के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब मेरा रेडिएशन 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, तब ये मेरा मैक्सिमम पावर पॉइंट है, क्योंकि सोलर में पावर क्या है, वी इंटू आई, सिंपली ये मेरा पैनल का कैरेक्टरिस्टिक है सोलर पैनल का, तो पावर क्या होती है, वी इंटू आई। तो अगर मैं इस, ये जो पॉइंट है मेरे, ये मेरे पैनल के मैक्सिमम पावर पॉइंट है, कि इस पॉइंट पर मेरा पैनल मैक्सिमम आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि जैसे जैसे मेरा रेडिएशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा पावर डिलीवरी बढ़ती जा रही है। देखिए जैसे रेडिएशन सपोज मॉर्निंग का टाइम है, स्टार्ट हुआ है सनराइज, तो 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन है, मैक्सिमम सपोज करते हैं कि 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर रेडिएशन आ रहा है, तो उस पर ये पैनल 235 वॉट पर काम करता रहेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यही है। तो ये अपना क्या, सोलर पैनल का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब सोलर प्लांट का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो अब जैसे सपोज कर लीजिए ये मेरा एक मेरा सोलर पैनल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले सोलर पैनल की सीरीज बनाते हैं, से सपोज मैंने 20 पैनल सीरीज में बना दिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, सपोज मेरा एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, 325 वॉट पीक मतलब पैनल का ये मेरा स्पेसिफिकेशन होता है। वॉट पीक का क्या मतलब होता है, कि जब इस पर 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर का रेडिएशन गिरेगा, मतलब मेरे 1000 वॉट रेडिएशन सन से पर मीटर स्क्वायर एरिया पर गिरता है, तो ये पैनल मुझे 325 वॉट आउटपुट देगा, क्योंकि ये सबको डिपेंडेंट कितना रेडिएशन उसको पैनल पर आ रहा है, ठीक है। तो 325 वॉट पीक के मेरे 20 पैनल सपोज मैंने सीरीज में लगाए, तो ये हो गया मेरा 325 वॉट पीक इंटू 20, यानी 6.5 किलोवाट पीक,
ये पैनल का मेरा आउटपुट होगा कि जब भी लोड पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो सीरीज बनी इन पैनल्स की, इसको मैं ले जाता हूँ एक इन्वर्टर पे, ठीक है। इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी टू एसी कन्वर्जन। उसके बाद में अब इन्वर्टर भी तरह तरह के आते हैं, ठीक है, थ्री फेज भी आते हैं, सिंगल फेज भी आते हैं, और ग्रिड टाइट मेगावाट स्केल के भी इन्वर्टर आते हैं। 1.25 मेगावाट तक का इन्वर्टर अभी आता है, ठीक है। तो अभी आउटपुट जो है वो थ्री फेज एसी भी हो सकता है और सिंगल फेज एसी भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अपना मेरा ग्रिड में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ग्रिड मतलब जैसा हाउस होल्ड आपका कोई लोड है, तो हाउस होल्ड लोड के साथ में आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से ये, अगर सपोज इसको मैं ग्रिड ना लिख के मैं लिखूँ मेरा होम, ठीक है, ये मेरी ग्रिड से सप्लाई आ रही है फेज न्यूट्रल, और ये मेरा सोलर से सप्लाई आ रही है फेज न्यूट्रल, ठीक है। तो ये ग्रिड टाइड इन्वर्टर है। अब ग्रिड टाइड इन्वर्टर में क्या होता है कि वो जब तक ही चलता है जब तक कि ग्रिड उसको अवेलेबल है, ठीक है ना। सोलर सिस्टम दो तरीके का होता है, एक तो होता है ग्रिड टाइट और एक होता है सिंपल अपना नॉर्मल सिस्टम की डायरेक्ट लोड कनेक्ट है उस पर कोई ग्रिड का इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रिड टाइट इन्वर्टर को क्या चाहिए चालू होने के लिए, कि ग्रिड वोल्टेज अवेलेबल, सोलर पर मेरे को वोल्टेज मिल रहा है सपोज 250 वोल्ट, तो ये इन्वर्टर अपने आप में स्टार्ट होगा, और शाम को जब मेरा रेडिएशन कम हो जाएगा तो सोलर वोल्ट पैनल का जो है मेरा आउटपुट भी कम हो जाएगा, तो उस टाइम पर ये अपने आप को कट ऑफ कर लेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सोलर प्लांट है, ठीक है। अब जैसे चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई बड़ा प्लांट लगाना है मेगावाट स्केल का, तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज उसमें क्या होता है, ये मेरे पैनल्स की सीरीज, ठीक है, सेस वही सेम 20 पैनल्स इन सीरीज, ठीक है। फिर ये एक होता है मेरा कंबाइनर बॉक्स, कंबाइनर बॉक्स इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सारा मेरे डीसी इनपुट एक बॉक्स में आता है। जैसे सपोज मैंने सपोज इस तरह की, ठीक है, इस तरह से मेरा इसमें पैरेलल होता जाता है। सपोज 20-20 पैनल है, 20 पैनल ये हैं, 20 पैनल ये हैं, इस तरह से एक कंबाइनर बॉक्स में आते हैं, ठीक है, जब मेगावाट स्केल पे मैं जाता हूँ। अब सपोज ये मेरा 6.5 किलोवाट का एक स्ट्रिंग था, ठीक है ना, मैंने इसमें 6.5 किलोवाट का एक स्ट्रिंग बोला, तो मतलब जो ये पैनल का जो सीरीज होता है ना, इसको मैं स्ट्रिंग बोलता हूँ। जैसे सपोज 20 पैनल मैंने सीरीज में लगाए तो उसको मैं स्ट्रिंग बोलता हूँ। तो एक स्ट्रिंग से मेरे को 6.5 किलोवाट पीक मेरे को पावर मिल रही है, दूसरे को मैं इसको पैरेलल में लगाऊंगा तो वही 6.5 किलोवाट ऐड होता जाएगा। तो ऐसे करके जैसे सपोज मैंने इसमें सपोज 20 स्ट्रिंग डाल दी सपोज, ठीक है, तो 6.5 किलोवाट की 20 स्ट्रिंग यानी कितना हो गया, 130 किलोवाट, ठीक है। तो 130 किलोवाट मेरे को एक बॉक्स से आया। फिर मैं क्या किया, यहां से डीसी की केबल डाली, डीसी केबल से इन्वर्टर पे, इन्वर्टर की डीसी साइड में मैं गया, तो ये मेरा एक कंबाइनर बॉक्स। अब एक कंबाइनर बॉक्स से मेरा आ रहा आउटपुट 130 किलोवाट, सेम दूसरा सेट कंबाइनर बॉक्स, सेम तीसरा सेट कंबाइनर बॉक्स। तो इस तरह से मैं मेगावाट स्केल पे पहुंच जाता हूं। जैसे अगर मैंने इस तरह के कंबाइनर बॉक्स 10 लगा दिए तो तो मेरा 1.3 मेगावाट का सोलर प्लांट रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यहां पर अब क्योंकि मेरी मेगावाट स्केल की पावर हो चुकी है तो मुझे स्टेप अप करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं एलटी वोल्टेज पर इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो इसके बाद में एक ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं स्टेप अप। सपोज इन्वर्टर आउटपुट रहता है कुछ 350 वोल्ट के आसपास, जो मेगावाट स्केल का इन्वर्टर रहता है ना, क्योंकि ये क्या, ये इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, मतलब इसके इंटरनल में कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है। और से सपोज 6.6 kV में मैंने इसको स्टेप अप किया, उसके बाद में यहाँ पर अपना ब्रेकर, और उसके बाद में ये कनेक्ट हो गया सीधा ग्रिड में, ठीक है। तो ये बड़े
जो पावर प्लांट्स होते हैं वो इसी तरह डिजाइन होते हैं। अब जैसे सपोज मेरे को 200 मेगावाट पे लगाना है प्लांट, तो मैंने क्या किया, दो दो मेगावाट के ऐसे 100 बैंक बनाए इसी तरह के, ठीक है। फिर ये जो एसटी ट्रांसफार्मर का आउटपुट है ना, उसको भी 220-400 के लेवल पे ले जाके मैंने कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है, मेगावाट स्केल का मेरा सोलर प्लांट बन गया। तो ये 1 मेगावाट का सोलर प्लांट अपन इस तरीके से बना सकते हैं। अब सोलर मॉड्यूल की एफिशिएंसी कितनी होती है, सोलर मॉड्यूल की एफिशिएंसी जो अभी तक जो लेटेस्ट हमने देखी है 19% ऑनली मैक्सिमम, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो सोलर पैनल है उसके कुछ 17.85 के आसपास है, ये डे बाई डे बढ़ रही है। अब इसमें एफिशिएंसी में इसमें इश्यू क्या है कि इतना कम क्यों है, एफिशिएंसी क्या है, जैसे सपोज ये मेरा एक सोलर पैनल है, इसमें मेरे सोलर सेल्स है, सब सोलर सेल्स है, ये सब सेल्स है, ठीक है, सब सीरीज में ये कनेक्ट है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पैनल का एरिया 2 स्क्वायर मीटर है, यानी 2 मीटर ऐसा, 1 मीटर इस तरफ में और 2 मीटर, यानी ये मेरा 2 स्क्वायर मीटर का मेरा पैनल है। अब इस पे सपोज रेडिएशन गिर रहा है, जैसे सोलर से जो सोलर जो मेरा ये सन से जो रेडिएशन आता है वो अपने यहाँ राजस्थान में इतना तक आ सकता है, 1300 वाट पर मीटर स्क्वायर इतना आता है। बट हम जब पैनल को फैक्ट्री कंडीशंस में टेस्ट करते हैं तो हम वहाँ पर रेडिएशन इस पर एमिट करते हैं 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर का मेरा रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, 2 स्क्वायर मीटर मेरा एरिया है, तो इसका 17% ही मैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है। टेक्नोलॉजी इतना ही डेवलप हुआ है अभी सोलर पीवी में कि एफिशिएंसी 17% से ज़्यादा मेरे को मिलती नहीं है, जबकि सन इतना रेडिएशन देता है कि आप 1 स्क्वायर मीटर पर 1000 वाट पावर बना सकते हो। बट हमारे पास टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन है कि हम उसको कन्वर्जन इतना ही कर पाते हैं, 17%, 18%, मैक्सिमम 19%। अगर ये एफिशिएंसी जिस दिन 25% हो जाएगी उस दिन पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, जैसे आज से 5 साल पहले 2 स्क्वायर मीटर पे मेरे को पावर मिलती थी 250 वाट 300 वाट, अभी ये सेम 2 स्क्वायर मीटर एरिया पे मुझे पावर मिलती है 400 वाट तक, अभी के पैनल आ रहे हैं 450 वाट तक का एक पैनल आ रहा है। वाट पीक मीन्स कि जब मेरा फुल रेडिएशन मैं एमिट करूँगा तो वो फुल अपनी पावर पर होगा, क्योंकि सोलर पैनल की जो रेटिंग होती है ना वो होती है हमेशा वाट पीक। जैसे सपोज 325 वाट पीक का मेरा पैनल है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस पर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर का रेडिएशन एमिट करूंगा सोलर रेडिएशन, तो मुझे ये इतना पावर ये पैनल मेरे को मैक्सिमम देगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, लिमिटेशन है कि हमारा क्या है कि टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांसमेंट हुआ नहीं है कि हम 70-80% के ऊपर अभी जा ही नहीं पाए। ठीक है, और इन्वर्टर जो एफिशिएंसी है, क्योंकि इन्वर्टर तो अपना इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, स्टैटिक है, तो उसका एफिशिएंसी 98% से ऊपर ही रहेगा इन्वर्टर का। इन्वर्टर एफिशिएंसी 98% से ऊपर ही रहता है इन्वर्टर, क्योंकि उसमें कुछ लॉसेस है नहीं, डीसी टू एसी कन्वर्जन में इतना लॉस होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये है अपना सोलर सिस्टम, इस तरह से काम करता है। अब इसका ओरिएंटेशन किस तरफ रखा जाता है, कि जैसे सपोज मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, तो मैं इंडिया में अपना सोलर पैनल का ओरिएंटेशन किस तरह से रखा जाएगा, किस एंगल पर रखना चाहिए आपको, क्योंकि क्या है आपको रेडिएशन तो अच्छा आ रहा है बट आपने पैनल का एंगल सही नहीं रखा या उसका ओरिएंटेशन सही नहीं रखा तो वो जनरेशन आपको देगा नहीं, क्योंकि उतना क्या है कि आप ये चाहेंगे ना कि मैक्सिमम रेडिएशन पैनल पर इमिट हो जब भी आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम जो इसका ओरिएंटेशन रखते हैं ना वो इस तरीके से रखते हैं कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करे। तो उसमें क्या होता है कि अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सन मूवमेंट जो होता है ना, सन का जो मूवमेंट होता है वो होता है मेरा ईस्ट टू वेस्ट, बट
और साउथ से मेरा सन मूवमेंट होता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट टुवर्ड साउथ, इस तरह जाता है सन। जैसे सपोज ये ईस्ट ये वेस्ट, तो साउथ इधर, तो सन मूवमेंट मेरे को इंडिया में इस तरीके से दिखता है। ठीक है, सेम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होता तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिफरेंट एमोस्फेयर में, तो उसमें क्या होता, आपको सन मूवमेंट दिखता सेम ईस्ट टू वेस्ट, बट उसका डायरेक्शन होता नॉर्थ की तरफ। ठीक है ना, तो इंडिया में पैनल का जो डायरेक्शन होता है ना वो रहेगा साउथ, ट्रू साउथ। कंपास लेंगे, ठीक है, कंपास में क्या दिखा रहा है, साउथ, उस तरफ पैनल का ओरिएंटेशन कि पैनल साउथ फेसिंग होता है। ठीक है, दूसरा एंगल कितना रखना चाहिए, टिल्ट। जैसे सपोज मेरा ये स्ट्रक्चर है, ये मेरा सोलर पैनल है, तो ये एंगल मुझे कितना रखना चाहिए इसका, क्योंकि ये पैनल इस तरह से इस एंगल पे भी रखा जा सकता है, इस एंगल पे भी रखा जा सकता है, तो एंगल क्या रखना चाहिए पैनल का। तो एंगल मैं रखता हूँ मेरे लोकेशन का जो लैटिट्यूड है, जहाँ मैं सोलर प्लांट डालने वाला हूँ, तो वहाँ का जो लैटिट्यूड का जो एंगल है ना वो अपन इसका सेट करते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड पर आपको सन हमेशा ऑलमोस्ट वर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो जब आपको सन वर्टिकल रहेगा तो मैक्सिमम रेडिएशन मेरे को पैनल पर मिलेगा। ठीक है ना, तो जो लैटिट्यूड है वो मैं रखूंगा आपका, जैसे लोकेशन लैटिट्यूड के बराबर में मैं टिल्ट एंगल रखूंगा पैनल का, लोकेशन का लैटिट्यूड। तो अपने जैसे बाड़मेर का 25 पॉइंट कुछ है, ठीक है ना, तो 25 डिग्री पे हमने पैनल को सेट किया हुआ है एंगल को, तो उसमें क्या होगा, मुझे मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा। ठीक है, अब सोलर में पावर का क्या कर्व रहता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैं सुबह सपोज 6 बजे से स्टार्ट हुआ, 6 AM, ठीक है, और ये हो गया सपोज 7 PM, तो जो पावर रहती है ना सोलर की वो इस तरह से जाती है, पीक आता है देन डाउन हो जाती है रात शाम को। ठीक है, तो इन्वर्टर का काम यही है कि ये जो मुझे पावर, मतलब ये सोलर से मुझे दिन भर में जो रेडिएशन मिल रहा है, ठीक है ना, इससे मुझे मैक्सिमम रेडिएशन को लेना है। ठीक है, और उसका फायरिंग इस तरह सेट करनी है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट पैनल से ले सकूं। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए इन्वर्टर्स में MPPT यूनिट्स होते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेरा सोलर का ये पैनल का ये करेक्टरिस्टिक है, सपोज 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर का रेडिएशन मुझे एमिट हो रहा है, तो अब ये मेरा आई है था, ये मेरा वी है, तो मैं इन्वर्टर को इस तरह से फायर करूंगा कि मैं मैक्सिमम पावर पॉइंट पर रहूं। ये मेरा मैक्सिमम पावर पॉइंट है, इस केस में मेरा वोल्टेज भी मैक्सिमम है और करंट भी मैक्सिमम है, तो ये मेरा मैक्सिमम पावर पॉइंट है। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर का यही काम है कि मैक्सिमम आउटपुट पैनल से उसको लेना है, इंपीडेंस मैचिंग का काम है बेसिकली, नथिंग बट। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा ये सोलर सिस्टम अपना काम करता है। एक तो ये एक सोलर पैनल है, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब मैं इतने सारे पैनल सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज अपना कोई हाउस होल्ड सिस्टम है, अब आप बोलेंगे सपोज मेरे 20 तो पैनल लगे हैं मान लो सीरीज में, बट मेरा एक पैनल पर शैडो आ गया तो रेडिएशन आएगा नहीं उस पर, तो मेरा पूरा सिस्टम बंद हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि सब क्या है कि सब सीरीज में है ना। अब जैसे इसके इससे जो नेक्स्ट पैनल जो लगेगा वो इसके सीरीज में लगेगा, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से जुड़ जाएगा और फिर इस तरह से चलेगा, तो ये मेरा सिस्टम काम करता रहे। ठीक है ना, तो अभी क्या था कि जैसे मान लीजिए ये मेरा है, तो इस पर शेडो आने पर ये पैनल बंद ना हो, मतलब मेरा सिस्टम बंद ना हो, क्योंकि क्या सब कुछ मेरा इसमें सीरीज में है। ये देखिए, जैसे ये एक पैनल है पूरा, इस पैनल का पॉजिटिव नेगेटिव, फिर सेकेंड पैनल, ठीक है, तो इस पैनल का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये सब सीरीज में है। सपोज दो पैनल मैंने सीरीज में लगाए, ठीक है ना। अभी क्या होगा कि सपोज इस पैनल पर मेरा शेडो आ गया, या कभी हो सकता है कि सेल्स मेरे अंदर से ये ओपन हो गए, तो ये तो मेरा पूरा आउटपुट जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट तो रहेगा नहीं उस केस में, क्योंकि मेरा सीरीज ओपन हो चुकी है। तो वो ना हो तो पैनल के अंदर क्या होता है, दो बाईपास डायोड लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बाईपास डायोड का क्या काम है कि जैसे मान लीजिए कि जब मेरा ये पैनल जनरली इस तरह से सीरीज में चलता है, इस तरह से करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरीके से। अब मान लीजिए मेरा ये सेक्शन मेरा ओपन हो गया या इस पर मेरा शेडो आ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक तो चलता रहेगा, ठीक है, सीरीज में, उसके बाद में यहाँ से ये मेरा बाईपास डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा, ये पाथ रहेगा।
तो अगर मेरा आधे पैनल पे शेडो आ गई नो इशू, या पैनल ओपन हो गया अंदर से नो इशू, मेरा फुल पैनल पे भी ओपन हो गया तो ये क्या होगा, कंप्लीट मेरा ये पूरा ये बाईपास हो जाएगा। तो सिंगल पैनल में भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो अपने को हेडेक नहीं है कि आपका एक ही पैनल आउट हुआ है, बाकी आपके सब पैनल सीरीज में कनेक्ट है। तो ये अपना सोलर सिस्टम का बेसिक था, दैट्स ऑल, थैंक यू।